उर्दू इन पेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन पेज सॉफ्टवेयर से हवाले से हम पढ़ेंगे। इन पेज का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हमें पता है। इन पेज वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप किसी भी तरह के उर्दू जो है वो लिख सकते हैं। स्टाइल्स होते हैं आपके, बुक्स उर्दू की यहाँ पर लिखी जाती हैं, उर्दू के लेटर्स यहाँ पर लिखे जाते हैं, और बहुत सारे कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर आप कॉलमदार होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं आपके। तो इन पेज जो है ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है उर्दू राइटिंग कोर्स के हवाले से। तो इसमें आप हर तरह की डिजाइनिंग जो है वो उर्दू से रिलेटेड बना सकते हैं। अरबिक राइटिंग जो है वो यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको करना। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इसका कि इसकी सेटिंग के हवाले से हम बात करते हैं कि फाइल कंट्रोल एन कर दें या फाइल में चले जाएं यहाँ से। तो यहाँ सबसे पहले आपको कंट्रोल एन मिलेगा, इसको आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ से जब ओपन कर रहे हैं आप तो आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट्स की एक जो है ना ये फाइल ओपन हो गई है। इस न्यू डॉक्यूमेंट में आप देखें सबसे पहले पेज है, पेज आपके पास है जिसमें ये दे रहा है कि A4 साइज आपका पेपर है। पेपर आपके जनरली जो साइज होते हैं ये डिफरेंट साइज यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये डिफरेंट साइज हैं बहुत से आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन जनरली जो हमारे पेपर साइज हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा साइज होगा लेटर साइज होगा, ठीक है। लेटर साइज का जो साइज है वो लेटर पेपर का जो साइज होगा वो हमारे पास है 8, उसकी विथ जो है वो 8.5 अगर वो पोर्ट्रेट स्टाइल है। पोर्ट्रेट होता है जिसकी विथ कम होती है, हाइट ज्यादा होती है। तो यहाँ पर विथ जो है वो 8.5 इंच की होगी और हाइट जो है ना वो 11 इंच की। तो ये हमारे पास लेटर्स लेटर जो स्टार का पेपर है। अब एक एक होता है लीगल, लीगल का साइज होता है 8.5 बाय 14, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, विथ उतनी ही है लेटर की साइज की तरह मगर हाइट में उससे ज्यादा बड़ा। लीगल पेपर कहाँ यूज होता है मोस्टली? लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर, क्या इसकी डेफिनेशन क्या है लीगल? एनी आइडिया? लीगल, इलीगल, लीगल, कानूनी, गैर कानूनी। कानूनी डॉक्यूमेंट कौन सा होता है आपका? जो पेपर होगा कानूनी पेपर, जो लीगल पेपर होगा वो कौन सा होगा? वो पेपर आपका होता है स्टाम्प पेपर, ठीक है। उसका साइज जो होगा ना वो लीगल साइज का होगा, तो आम पेपर से बड़ा साइज। ओके जी, तो वो आपका ये लीगल नाम ही लीगल है, नाम से ही डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो लीगल यूज होगा, यानी वो जो हमारे इसमें लॉज वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक पेपर हमारे पास है A4 साइज पेपर। अब A4 पेपर तो हमारे आम ऑफिस वगैरह में, बैंक में, हर जगह पर मोस्टली ज्यादातर इसका यूज होता है A4 पेपर। इसका साइज क्या होगा? इसका साइज यहाँ पर उन्होंने दिया है MM। अब ये MM में आ रहा है, मिलीमीटर्स में आ रहा है। 210 mm इसकी विथ है और हाइट है इसकी 297 mm। अब ये जो अगर हम कन्वर्ट करें इसको इंचेस में तो ये बनेंगे 8.29 बाय 11.6। ओके, तो ये 11.6 आप ले लें कि अब लेटर का साइज हाइट क्या थी वो 11, तो ये 11.6 यानी हाफ इंच थोड़ा सा बड़ा होगा, और लेटर की जो साइज था वो 8.5 इसकी विथ थी, लेकिन इसका साइज हो गया 8.2 8.229 समथिंग। ओके, तो ये इसका इसकी हो गई विथ और इसकी हाइट। डेफिनेटली हम काम ही A4 पे करते हैं तो हमने A4 पे। अब ओरिएंटेशन है, 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन हो पेपर की, या तो पोर्ट्रेट होगी या फिर लैंडस्केप होगी। ये पोर्ट्रेट शेप है जो आपकी विथ कम और बहुत ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होती है, और ये आपकी लैंडस्केप, इसमें आपकी विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम होगी। ओके, पेपर की कोई भी आप पोजिशन आप ले लें तो हम पोर्ट्रेट यूज करें। पेजेस आप एडवांस पेज कितने, आप कितने पेजेस पर काम करना चाहते हो उतने पेजेस आप यहाँ पर यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते। मार्जिन्स, मार्जिन्स आप जब भी कोई काम करते हो, कोई कॉपी परचेज करते हो या कोई भी काम उसमें करते हो, नीट काम करने के लिए आप डेफिनेटली उसके लेफ्ट या राइट पर कोई ना कोई लाइन जरूर लगाते हो कि मैं यहां से शुरू करूँ, वो आपका मार्जिन है।
हर कॉपी देख लें, हर रजिस्टर, हर बुक देख लें कि जो टॉप होता है वो हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, और टॉप से एक स्पेस छोड़कर आगे जो है ना वो हेडिंग के लिए जगह बनाई जाती है, देन आपकी लाइन स्टार्ट होती है। तब टॉप से कितना मार्जिन, लेफ्ट से कितना मार्जिन, राइट से कितना मार्जिन और बॉटम से कितना मार्जिन आप पेपर पे रखेंगे, तो यहां पर ये आपको बताएगा ये चीज। एक इंच कितने एमएम होता है, एक इंच कितने एमएम होता है, यहां से आपने देखना है। इस वक्त ये 12.7 mm है और ये यहां से आपको 210 mm दे रहा है, किसका, 8.2 का। तो 8.2 का 210 mm दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारा इंचेस कम बनते हैं, एमएम बहुत ज्यादा बनता है। तो एक इंच में डेफिनेटली एमएम ज्यादा ही होंगे, तो एक इंच में हमारे पास जो एमएम होंगे वो होंगे 25.4 mm। अब ये 12.7 mm है, तो मुझे आप बताइएगा कि 12.7 mm कितने इंच होता है। ये हाफ है, ये 1 inch का हाफ इंच, आधा इंच। ओके, 12.7 प्लस 12.7 इक्वल टू 25.4, 25.4 आ गया। तो ये आपका 1 inch होगा अगर आप इसको 25.4 करते हैं, तो ये बेसिकली लेफ्ट से आपका 25.4 mm हो गया, राइट। और आप कहते हैं जी कि मैंने राइट से भी 25.4 mm कर दिया, राइट से भी और लेफ्ट से भी, यानी कि दो, जैसे हम कॉपीज पर स्केल के साथ मार्जिन लगा लेते हैं लेफ्ट पे भी और राइट पर भी, लेकिन वो मार्जिन कभी भी हमने पेमाइश से नहीं लगाया आज तक, बस रखा है स्केल और चीज लगा लिया है, और वो कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट तो आपको फिगर बतानी होगी कि आपको कितना रखना है, 2 inch का रखना है, 1.5 का रखना है, या 1 का रखना है, या हाफ का रखना है। तो टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम मैंने 12.7 यानी हाफ इंच मैंने रहने है। अब नेक्स्ट आपके पास आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ये आपकी है लेफ्ट टू राइट, यानी अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंग्लिश का कोई लेटर होगा जिसको आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे, और इंग्लिश राइटिंग लिखनी हो तो वो आप ये वाली सिलेक्शन करेंगे, और अगर आपको उर्दू लिखना है तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप हमेशा उसको लिखेंगे। तो हमने ये सेकेंड वाली जो ऑप्शन होगी सिलेक्ट रहने देनी है, हमने इसको नहीं छोड़ा। कॉलम्स, कॉलम्स क्या होता है आपके, कि कॉलम्स में आप जो एक पेपर पर या एक बॉक्स में कितने कॉलम्स में लिखना चाहते हो। कॉलम्स क्या होते हैं कि आप न्यूज़पेपर जो एग्जांपल है, न्यूज़पेपर तो देखते हैं ना, ठीक है। अब न्यूज़पेपर पर क्या होता है कि जी वो आपको कॉलम्स की शक्ल में दिखाते हैं, मतलब एक बॉक्स बना हुआ है, न्यूज आई है तो पहला कॉलम पढ़ेंगे आप, ये नहीं करेंगे कि पहली लाइन पढ़ के जंप लगाकर वो गैप्स आता है दरमियान में लाइनों के तो आप अगली लाइन पढ़ोगे, नहीं, पहले आप फर्स्ट कॉलम पढ़ोगे, देन कंटिन्यू करोगे ऊपर से सेकंड कॉलम, देन कंटिन्यू करोगे थर्ड लाइन। तो ये वो कॉलम्स है, ये आता है पेज को कॉलम्स बनाना, यानी एक पेज है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, पहला हिस्सा ये वाला और सेकंड हिस्सा ये, तो दो हिस्सों में हमने पेज को डिवाइड कर दिया जाता है इसको, तो ये आपके कॉलम्स बनते हैं। तो यहां पर आप जितने भी कॉलम बनाएंगे वो उतने कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। एक न्यूज़पेपर 8 columns पर, न्यूज़पेपर जब बनाया जाता है तो वो 8 columns में डिवाइड किया जाता है। ओके, और ये जो मार्जिन है ना, ये एडजस्ट होती हैं, ये वो मार्जिन होता है जो इन कॉलम्स के दरमियान में जो स्पेस होती है ना, जो दरमियान में स्पेस आ रही है दो कॉलम्स के दरमियान में, तो वो स्पेस को कम या ज्यादा करने के लिए ये वो ऑप्शन है। इतनी जनरल है, इतने नॉर्मल है, हम यही रहने देंगे क्योंकि हम कॉलम बना ही नहीं रहे हैं। हम इसके इतना करने के बाद हम इसको ओके कर दे रहे हैं। अगर आप ये ऑप्शन कहते हैं कि बार बार ये वाली ऑप्शन में हर पेज पर यही मेरी सेटिंग होनी चाहिए, तो सेव एज डिफॉल्ट कर दो। तो यहाँ करेंगे तो हर बार ये वाली सेटिंग आपकी रहेगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे चेंज करनी पड़ती है, तो आप सिंपल इसको ओके कर दें और कुछ नहीं करें। तो ये है आपके एंड पेज का पेज, जो मेन है जहां पर आपने राइटिंग कर, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये रिबन है, ये रिबन बोला जाता है इसको, ये टूल्स है, इसके टूल्स रिबन, और ये मेन्यू बार है, और ये इसका है टाइटल बार। जो भी आप काम करते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे थे, काम करते थे, सेव करते थे, तो सेव करने के बाद यहाँ पर जो नाम से आप सेव करते थे, यहाँ पर वो नाम मेंशन करता था उस सेंटर।
ठीक है। इसी तरह से इसका भी अगर कोई भी काम करेंगे उस नाम से सेव करेंगे तो यहाँ एन टाइटल्स वन डिफॉल्ट उसका नाम उसने दिया, यहाँ से आपने सेव कर दिया। ओके, अब यहाँ से आप नेक्स्ट चलें, आपने कीबोर्ड की सेटिंग कर। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक होगा कि आपने कीबोर्ड की सेटिंग करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड टाइप करता हूँ, सर तो मैं करता हूँ पाकिस्तान में लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लिखूँ ऐसे जैसे हम लेटर में टाइप करूं, पी को करूं तो पे ही प्रेस, और अगर मैं ए को करूं तो अलिफ आना चाहूंगा। अब अगर मैं यहां से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, पी प्रेस करता हूं तो पी से मेरा आया लेटर क्या, ए, और अगर मैं ए प्रेस करता हूं तो ए से मुझे आया का। तो यानी कि ये वाला लेटर मुझे, ये वाला कीबोर्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि पी से पे, यानी जो उसका साउंड है, जो उसका मेन साउंड है, जो हम अपने मोबाइल्स पे टाइप करते हैं हम कुछ भी लिखने के लिए, अगर हम आप लिख रहे हैं या का लिख रहे हैं तो का के लिए हमने के और ए टाइप करते हैं, तो मैं के और ए टाइप करूं तो वो का ही लिखा जाए। बात फॉलो कर गए यहाँ पर? तो यहाँ से हमने क्या करना है कि आपने कीबोर्ड की सेटिंग करनी है। जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट एक कीबोर्ड लेगा, वो होगा मोनोटाइप, तो सेटिंग होगी मोनोटाइप। ठीक है, कीबोर्ड की सेटिंग आप कहां से करेंगे? कीबोर्ड की सेटिंग आप करेंगे, आपने जाना है एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में जाने के बाद यहां से आपने जाना है प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहां से आप जाएंगे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। ओके, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस से यहां से आपके पास ये वाला एक कीबोर्ड प्रेफरेंसेस की ये ऑप्शन आ चुका। अब कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आप देखें कि आपका कीबोर्ड कौन सा सिलेक्ट है, मोनोटाइप, ये डिफॉल्ट है। जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी इनपेज इंस्टॉल करेंगे ना तो ये वाली सेटिंग यहां पर हुई होगी, और ये है इसका मोनोटाइप कीबोर्ड व्यू। आप इस कीबोर्ड के व्यू को देख सकते हैं यहां से, ये आपका फुल कीबोर्ड है ऊपर वाला। तो ये देखिए कि ए से जो मैंने P प्रेस किया था, P से हे प्रेस हुआ था और A से काफ प्रेस हुआ। ओके, जबकि मैंने इसको कहा था कि मुझे P से पे और A से अलिफ चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा कि ये कीबोर्ड मुझे नहीं चाहिए, इसको मुझे याद करने में भी बहुत टाइम लगेगा, मुझे ये कीबोर्ड नहीं जो है ना वो सूट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां से मुझे एक दूसरा कीबोर्ड, यहां देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड जो है ना वो आपको मिलेंगे। एक आफ्ताब नाम से है, यस आफ्ताब है, यहां से आप इसका कीबोर्ड देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए ए से सीन आ गया, एस से शीन आ गया, डी से दाल, डी से दाल और एफ से फे, जी से गा, कुछ मिलता जुलता, लेकिन अभी ये भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, ए से अलिफ चाहिए। ओके, अब दूसरा कीबोर्ड देखें, यहां से मक्तदरा में देखें, यहां से ए से सीन और ये भी तकरीबन वही है जो हमने प्रीवियस अभी देखा। नेक्स्ट आप देखें फोनेटिक, फोनेटिक कीबोर्ड जब हमने देखा यहां से तो ये देखें आपके, इसने क्या मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करा, ए से अलिफ और कैपिटल ए से आपका, देखें हरूफ तहजी हमारे कितने हैं, मोर देन 15। ठीक है, हरूफ तहजी हमारे पास जो नॉर्मली है वो तो 38 39 करते हैं, लेकिन ये मोर देन 50 कैसे बने, क्योंकि इसमें मजीद आगे जो है ना वो फैमिलीज हैं, हे की फैमिलीज हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो दो चश्मिश हे आती है उसकी फैमिलीज है, ह ह ख ख, ओके ये वाली चीजें, तो इनको मिलाकर जो 50 प्लस जो है ना वो हमारे क्या बनते हैं, हरूफ तहजी बनते हैं। ठीक है, तो 26 लेटर तो उनको कवर नहीं करेंगे, 26 लेटर 38 को भी कवर नहीं करते, 39 को भी कवर नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना होगा कि उस लेटर के साथ कैपिटल लेटर्स के साथ भी कोई ऑप्शन हो। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आपने यूज करना है वो चीज़। तो कीबोर्ड जो है ये आपने अपने माइंड में बैठा लिया, ये जबान ही आपको आना चाहिए, लेकिन ये बहुत आसान है, अभी मैं आपको याद करवा दूंगा बैठे बैठे। ठीक है, तो यहां से आपने देखना है कि ए से आपका क्या हुआ, अलिफ आ रहा है, और कैपिटल ए से क्या हुआ, ये मद का साइन, जो अलिफ और मद आता है ऊपर, तो ये वो है। तो अलिफ लगाने के बाद ही आप मद लगाओगे, मद पहले नहीं लगाओगे, अलिफ बाद में। ठीक है,
तो मद आएगा ही नहीं पहली बार, तो अलिफ के साथ आएगा, जब भी आएगा तो अलिफ के साथ आएगा, कोई भी दूसरी ऑप्शन नहीं, ठीक हो गया। इसके बाद एस से क्या है, एस से क्या साउंड बनता है आपका, सीन और स्वाद बनता है, स स का साउंड है ना। तो साउंड आपने देखना है कि आपके हरूफ़ तहजी में वो कौन सा साउंड है और वो इंग्लिश के किस लेटर से मिलता है, तो वो आपने देखा है। तो ये मेरे पास ओके है, ये मेरे पास ओके है, मैंने इसको, अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। ओके, इसको प्रिंट करेंगे यहाँ से, अगर यहाँ से तो आप प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लें, प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका प्रिंटर हो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको प्रिंट दे लें, कितनी कॉपीज करनी है यहाँ से वो कॉपीज आप सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी है। एक पेज को प्रिंट की कमांड ऐसी दी जाती है इन पेज में, सिंपल से जी क्लोज करें और यहाँ से ओके करें। और भी हैं, और भी कीबोर्ड हैं, फारसी, अरबिक, कश्मीरी, कुर्दिश, और भी कीबोर्ड्स हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान, यह हम टाइप करते हैं चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिस्मिल्ला कितने लेटर्स हैं बिस्मु, उर्दू के कितने लेटर हैं बिस्मु, बे, सीन और मीम, तीन लेटर। अब मुझे बे के लिए क्या टाइप करना होगा, यहाँ पर बी, ओके बी। अब मुझे सीन के लिए क्या टाइप करना होगा, एस, और मीम के लिए इजी, लेटर आपको पता चल गया। अब मैंने टाइप करना है अल्लाह, अल्लाह में कितने लेटर, अलिफ लाम लाम और हे, अलिफ हे से, लाम किसे करेंगे, एल से, लाम लाम। अब हे, हे हमारी कितनी टाइप्स की हैं हरूफ़ तहजी में, जरा हे हमारी तीन टाइप्स, हे किसे टाइप करेंगे, एच, साउंड एच बन रहा है हे का, ओके ये वाला है नो, चलें शिफ्ट के साथ एच को दोबारा प्रेस, वो शिफ्ट ये देखें, बिना शिफ्ट के दो चश्मिश, ठीक है, शिफ्ट के साथ आया ये वाला है नो, तो फिर तीसरा कौन सा है, गोल है, जो हमारी गोल हे है वो बनती है। अब गोल हे की शेप किससे मिलती है, वो किससे मिलेगी, ओ से, तो वो आपने ट्राइप करना है ओ, ऑटोमेटिक उसने सब कुछ बना दिया, ओके अलिफ लाम लाम हे, हे जो है वो आपको कौन सी, तीनों हे क्या समझ आ गई ना आपको, ये कंफ्यूजन होती है कि जो हाथ वाली है हो रहे कहीं, ये जो हे है ये वो वाली है, बात समझ गए। अर रहमान अलिफ डबल एल हे, अलिफ लाम लाम हे, ओके अलिफ अल, अब लाम आता है, ठीक है एल आर एच, कौन सा ये वाला शिफ्ट वाला, देन एम एन, ठीक है वो आठवा आ गया। अच्छा याद रखें कि सिंगल स्पेस देनी है आपने, जब भी देनी है आप सिंपल सिंगल स्पेस देंगे ना, देखें वहां पर क्या होता है, कुछ हुआ लेकिन सिंगल स्पेस में दे चुका, लेकिन वहां पर वो हिला तक नहीं अपनी जगह से कर्सर, उसका मतलब यह हुआ कि कर्सर पिछले वर्ड से अब नेक्स्ट वर्ड अलग हो चुका है। लेकिन अगर आपने एक और स्पेस दे दी कि मुझे स्पेस तो आई नहीं, तो वो बेसिकली फासला दे देगी, तो हमने फासला नहीं देना, पिछले वर्ड से अगले वर्ड को जुदा करना, ओके। तो ये यहां से अगर मैं स्पेस नहीं देता, अब मैंने नेक्स्ट लेटर टाइप करना है रहीम अली, तो अलिफ में टाइप करूंगा तो वो देखें वो साथ जुड़ गया, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिंगल स्पेस देनी है, तो फिर से वही टाइप मैं करूंगा अलिफ आर एच अब ये भी है दो नुकते हैं तीन लेटर,
ये मीम। अब ये कितनी टाइप की है हमारे पास? दो टाइप, या और क्या है? दो टाइप। अब छोटी ये कहाँ यूज होती है और बड़ी ये कहाँ यूज होती है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। काम ये यहाँ पर वही करेगी जो ये मतलब तो बाइक बताया है ना, हम जब कर रहे थे, हम अक्सर किया लिख देते हैं, तो वो किया हम लिख देते हैं KIA से, उसने ये किया। क्या कर रहे हो, KYA भी लिख सकते हैं हम, KIA भी लिख सकते हैं। ओके, तो आई और वाई इन्हें माइंड में बना, छोटी है आई यूज करता है, बड़ी है वाई यूज करता है। छोटी ये कहाँ यूज होती है? छोटी ये जब दो नुक्ते कहीं पर आ रहे हो दरमियान में, तो वो छोटी ये यूज होनी है। और वाई जो है बड़ी, ये हमेशा एंड पर यूज होती है, ये असूल है उर्दू का। बड़ी ये हमेशा एंड पर यूज होगी, लास्ट लेटर ऑफ दी वर्ड होगा। कोई भी ले लें, बड़ी ये कोई भी ले लें, वो हमेशा एंड पर यूज होगी, वो दरमियान में कहीं पर भी आप यूज कर ही नहीं सकते। ओके, तो छोटी ये जो है ना वो दो नुक्तों के लिए यूज होगी, यहां पर आपने आई यूज कर। ओके और एम, ये आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हुई आपकी लेटर्स से रिलेटेड, कुछ जो मुश्किल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब और मुश्किल जो है ना वो मैं आपको बता देता होता हूँ, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर मैंने इसकी ट्रांसलेशन लिखी, मुझे इसी की ट्रांसलेशन भी चाहिए। अब उसमें हमारे पास पहला लेटर कौन सा आता है? अल्लाह के नाम से शुरू कर, ठीक है? तो बताएं जल्दी जल्दी, अलिफ, लाम लाम, हे, अब के, बोलना है बोलना है, के वाई, के, एम, अब शुरू क्या हुआ है इसमें? शीन है, एस नहीं होगा, एस शाह का साउंड नहीं है। ओके, शाह का साउंड कौन सा है? शाह का साउंड होगा एक्स आप। ओके, एक्स एक्स जो है वो श, और जैसे वो से से जो है ना वो भी आता है आपका से जलाबाली वाला, जलाबाली वाला, ठीक है? यहां से मैं शिफ्ट के साथ एक्सप्रेस करूंगा, तो ये देखें शिफ्ट के साथ एक्स, और इस तरह से जी सी सी स साउंड है ना, सी सी भी तो है ना हमारे पास जिसमें स साउंड है। ओके, सी का साउंड भी वही है, और एस मतलब वो भी स साउंड है, एस भी हमारे पास है। अब सीन और सौ और स और स, ये वाले स जो सा साला वाली जाला वाली वाला सा, और एक समर वाला सा, तकरीबन मिलते जुलते साउंड है, ठीक है? लेकिन डिफरेंट है। अल्लाह के नाम से शुरू ले जी, आर आगे, वाओ कैसे लिखा जाएगा? बी नहीं है, डब्ल्यू, क्योंकि हम वाओ हम बोलते भी वाओ मतलब वैसे ही बोलते, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाओ, तो वो वाव। आइन किससे आना चाहिए? ई, एग्जैक्टली, कैसे पता? साउंड से अलग, वेरी गुड। अल्लाह के नाम से शुरू, आगे करता, करता या करती हूं, करता आफ्रे टी एंड ए, आगे स्लैश लगा दें, हाँ टी ते और टे दोनों के लिए यूज होगा, टी दाल और डाल दोनों के लिए यूज होगा। ओके, एक लेटर से दो टाइप्स होंगे, आर रे और अरे दोनों से यूज होगा, आर जो होगा। ओके, अब मुझे यहाँ से एक स्लैश लगाना है, लेकिन वो स्लैश मेरा इंग्लिश लेटर में आ रहा है, वो उर्दू में नहीं आ रहा, तो मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, मेरे कीबोर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप देखें, राइट साइड पर देखें, आपको उर्दू नजर आ रहा है? राइट साइड पर देखें उर्दू आ रहा है थोड़ा सा आपको नजर, ठीक है? इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये इंग्लिश हो, ठीक है? अब ये स्लैश करूंगा तो यहाँ से इंग्लिश टाइप, अब दोबारा से यहाँ से उर्दू कर दो, अब उर्दू आएगा यहाँ पर।
प्रतीक हूँ, कुछ नहीं है वो वाली हुई है, नहीं है वो वाली है, ओ वाओ। देन नून तो आएगा बट विदाउट नुक्ता, जैसे गुन्ना कहते हैं, एन के साथ ही आना लेकिन शिफ्ट है। जो बहुत जी ओ सी ए लेकिन आर एम ओ आर डी ए कंफ्यूजन। जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जिसमें कंफ्यूजन होती है। अब हमारा जो मेन कंफ्यूजन वाला जो लेटर है वो है तोय और जोय। अब तोय और जोय की कोई साउंड नहीं बनता ना हमारे को लेटर है, तो उन्होंने सिंपली वी को दे दिया। वी का कोई साउंड नहीं बनता तो उन्होंने वी को तोय और जोय दोनों दे, ठीक है ना। अगेन हम एडिट में जाते हैं, यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाते हैं, प्रेफरेंसेस से कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाते हैं। अब यहाँ से हम एक दफा कीबोर्ड का व्यू कर लेते हैं अगेन, जो जो हमारे पास मुश्किल है, जो हमें लगता है कि ये मुश्किल हो सकते हैं वो हम देखें, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ए से ये अलिफ और ए से ही कैपिटल ए से मद आ गया, सीन से और सौद से, डी से दाल डाल आ गया है, फे से जो है ना वो एफ से फे है, जी से गाप और जी से ही गायन, जैसे गुलाम गम, हम जी से ही टाइप करते हैं। ओके ए ये दोनों आ गई हैं आपके पास, जिम जे और जौत, ओके जिम से आना है, आप जे से आना है, काफ के से काफ और खे, ओके ये दोनों चीजें आएंगी आपके पास, और एल से लाम, और ये हमारे पास सिंबल है रहमतुल्लाह का शॉर्ट फॉर्म है, ये आपने एल कैपिटल से आप लिख सकते। ये तो आ गई आपकी मिडिल रॉ, ओके मिडिल रॉ की आपने याद कर लेनी है। टॉप रॉ पे चलते हैं, टॉप रॉ पे चलते हैं, यहाँ पर आपके पास है क्यू, क्यू से काफ, वो वैसे पता है कि हमने क्यू से काफी बनता है हमारा, ओके और तो से पेश बन जाएगी इसकी वाओ, और कैपिटल वाओ से पूरा दुरूदे पाक, पूरा दुरूदे पाक आ जाएगा, ठीक है। और ई से आइन और ई कैपिटल से अलैहिस्सलाम वाला जो है ना वो, ठीक है ना। आर से रेडे, टी से तेटे, वाई से ये है, और यू से हमजा, हमजा आता है ना, जैसे हम कोई भी लिखना चाहें, निसा लिखना चाहें या कुछ भी, तो एन पे हमजा आ जाता है, ठीक है ना। खैर निसा तो नाम लिखना है तो हमजा लिखते हैं ना लास्ट, तो वो यहाँ से आता है। अब आई से जो है ना वो छोटी ये भी आती है, और खड़ी जबर भी आती है जो रहमान पर लिखी है, अगर आपने खुद से देना है, ठीक है। और ओ से वही है नुक्ते वाली, वो है ए है और बिना नुक्ते वाली। पी से पे और पेश, क्योंकि पी पेश ही आ रहा है, तो वो वहां पर उन्होंने सिंबल भी पेश का लगा दिया, अगर आपने वो जो है वो जेर जबर वगैरह का काम करना है तो पी से पेश आता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये तो हो गई आपकी टॉप रो, और आप आ जाए बॉटम रो में, बॉटम रो में आप आ जाए जेड से, आपके पास ज से आ जाएगा ज और ज, ओके एक्स से आ जाएगा शीन और सर, सी से चे और सर दोनों आ गए आपके, बी से बे और ये रजी अल्लाह ताला नो के शब्द, ठीक है। और इस तरह से नून से एन, और सॉरी वी रह गया हमारे पास, पॉइंट जो बी से तोय सोए दोनों ले लिया, नून और नून गुना, एम से मीम और ये कोमा और फुल स्टॉप, शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो ये जेर जबर, कैपिटल एम से कट जबर ही आ जाती है ना, यहाँ पर भी वही ऑप्शन सिंपल दिया हुआ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पे ऑटोमेटिक, ठीक है ना, क्योंकि वो एक नाम अल्लाह का एक ही नाम है, उन्होंने वो ऑलरेडी बना हुआ है,
उन्होंने उसको कोई बनावट करने की जरूरत नहीं, छत वगैरह लगाना हो तो वो अब ऊपर 1, 2, 3 वाली रॉ पे आ, यहाँ से आप देखिए 1, ये अगर आपने अरबिक जो काउंटिंग लिखनी है तो वो यहाँ से आप लिखेंगे उर्दू के कीबोर्ड सेलेक्ट करते हुए, और अगर आपने इंग्लिश वाला लेटर लिखने हैं तो फिर इंग्लिश का कीबोर्ड सेलेक्ट करें। कोई भी सिंबल आपने लगाने हो, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने, या आपने ये ग्रेटर देन लेस देन लगाने हैं, फुल स्टॉप वगैरह लगाने हैं, ठीक है ना, तो ये उर्दू का क्वेश्चन मार्क तो उसी से ही आ जाएगा जो आपकी स्लैश होगी और उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क, वो तो सिंपल आपने शिफ्ट के साथ वो प्रेस कर देना, ठीक है ना, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। तो ये यहाँ से ये ऊपर सिंबल्स हैं, एक्सक्लेमेशन ही है, वन पर ही है, वैसे ही है, डैशेज आ गई यहाँ पर, ये सौद का साइन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है, 6 के ऊपर है, और ये चीज़ें हैं आपकी कीबोर्ड की, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, जहन में बैठाइएगा, ये चीज़ें आपकी स्टार्ट में। अब आ जाए नेक्स्ट जो आपने काम करने के, ये टूल, ये राइटिंग आखिर कर कैसे है, शॉर्ट की एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शॉर्ट की जो है ना, ये उर्दू या इंग्लिश आप टाइप कर रहे हैं यहाँ से, उर्दू अगर आपने लिखनी है ये, तो आपने करना है कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो आप इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप उर्दू लिखना शुरू कर, बड़ा ठीक है, यहां से आपने मिसाल के तौर पर आप लिख रहे हैं पाकिस्तान, यही चीज मुझे इंग्लिश में भी चाहिए, कंट्रोल स्पेस बार, तो ये एक यहां से भी कर सकते हैं क्लिक करके, और दूसरा कंट्रोल के साथ स्पेस बार भी आप टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो वो एंटर करके अगली लाइन में चला जाएगा, ये पेज है आपके पास। अब आ जाए जरा व्यू में, व्यू ऑप्शन इसका क्या होता है, व्यू यानी कि ये आपका मेन्यू बार है व्यू का, ये इसमें कुछ आपको ऑप्शन नजर आ रही है, F5, F6, F7, यानी फिट इन विंडो, 50% एक्चुअल और 200। अब इस वक्त जो सिलेक्ट है ना वो है 200, यानी मैंने F8 प्रेस किया था जब इसको थोड़ा सा नजदीक किया, अब मैं जरा इसको कर देता हूँ फिट इन विंडो, जब मैंने फिट इन विंडो किया तो ये इस तरह से व्यू, जहाँ आपको कुछ शो नहीं हो रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, बस आपको ब्लैंक एक पार्टीशन नजर आ रही है उसको आप कर रहे हैं, तो F5 ये शॉर्ट किया, F6, अब ये देखिए इसकी जो जो परसेंटेज है वो यहाँ से आपको नजर आ रही है कि ये इसकी परसेंटेज है, इसकी लिमिट है 44.6%, आप F6 प्रेस करें तो यहाँ से आपको ये 50% पे आ गए, F6 से 50% पे आ गए, लेकिन अभी तक शो नहीं हुआ। F7 जब आप अपना कंट्रोल एंड करके पेज को ओपन करते हो ना, जब ये आता है तो ये एक्चुअल पोजिशन होती है आपकी, एक्चुअल F7 में आता है आपकी, जब व्यू में आता है तो यहाँ से आप ये चीजें देख सकते हो, ये चीजें लिख सकते हो, ठीक है। F8 जो है ना ये 200%, यानी कि यहाँ पर ये देखिएगा 200% हो गया, और इसकी लिमिट होगी 300%, इसकी लिमिट कितनी है 300%, मैक्सिमम 300%, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम इसका होता है 1%, मिनिमम 1% होता है और मैक्सिमम 300% होगा इसका, लेकिन नॉर्मली F8 में जो है ना ये हम, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक करना हो तो 300 पर आप कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से 200 से 300 के दरमियान में जितना आपको इजीली व्यू हो जाए उतना आप करें, टाइपिंग करें, जो भी आप करना चाहते हैं। एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा। ओके, अब आ जाए थोड़ा सा आप ये टूल्स के बारे में, इसमें टूल्स में एक हैंड टूल है जो कि पहले से सिलेक्टेड है, ये हैंड टूल आपने यूज करना है राइटिंग के लिए, इसको बोलते हैं राइटिंग टूल, हैंड टूल या आई बीम, ठीक है, हैंड टूल, राइटिंग टूल या आई बीम, इसको ये तीनों नाम आप कह सकते। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर मेन्यू बार, ये जो रिबन है, इस रिबन में आपको जो डायरेक्शन नजर आ रही है, जो चीजें नजर आ रही है वो रिलेटेड है आपके टेक्स्ट के साथ, वो रिलेटेड है आपके टेक्स्ट के साथ, इस टूल के साथ रिलेटेड है। देखिए मैं कोई और टूल सेलेक्ट कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि उसका टूल क्या चेंज हो गया, व्यू चेंज हो चुका, लेकिन अगर मैंने ये टूल सेलेक्ट किया हुआ तो उसका व्यू ये, तो जिस तरह से आपने वर्ड में काम किया था, तो पैकिंग कर रहे थे, मैंने कहा था कि इसके राइटिंग चेंज कर दो, साइज चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, और सारी चीजें कलर अलाइनमेंट कर दो, लेफ्ट हैंड राइट वगैरह कर दो, ये सारी चीजें यहाँ पर वही चीज है, ठीक है। इसमें आप फॉर्मेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं फॉर्मेट कर, तो यहाँ से आप चाहते हो जी कि मुझे इस ये थोड़ा सा बड़ा करना है, या इसको मुझे सेंटर में चाहिए यहाँ पर, तो ये मेरे पास लेफ्ट राइट सेंटर, ये सारा कुछ, ठीक है। आगे वो ऑप्शन हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है, इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ या सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको, ये है इसका इंग्लिश की राइटिंग स्टाइल,
अगर इंग्लिश आपने चेंज करना है तो ये इंग्लिश वाले होंगे, अगर उर्दू में चेंज करना है तो ये उर्दू की राइटिंग स्टाइल है। इसमें नूरी नस्तैलिक आपकी उर्दू की राइटिंग है, जो ये सिंपल राइटिंग आपको नूरी नस्तैलिक स्टाइल है, आप कोशिश करें मोस्टली इसी में लिखें। नूरी करेक्टर है, लाहौरी नस्तैलिक है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, देखें कि वो चेंज हो जाएगा उसकी जो राइटिंग स्टाइल है। सर है सर, राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया यहाँ से आपका, ठीक है। ये है उसका कलर, आप यहाँ से कलर करते हो, यहाँ से उन्होंने बस ये नॉर्मल कलर जो है ना यहाँ से उन्होंने दिए, ये कुछ 7 to 8 कलर्स हैं बस इन्होंने यही यहीं पर दिए हुए हैं। मोर कलर्स जो है वो कहाँ से लेंगे वो मैं बताता हूँ। मोर कलर आपने जाना है यहाँ से इंसर्ट में, इंसर्ट में फॉर्मेट में जाना, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, फॉर्मेट मेन्यू से यहाँ जाना है अपने डिफाइन कलर, डिफाइन कलर से यहाँ से आपके पास ये कलर्स आ गए हैं, यहाँ से आपने जाना है ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, यहाँ से जाना है न्यू कलर, ये वही कलर है जो वहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ जाना है आपने न्यू कलर, यहाँ कलर का कोई नाम लिखो, मिसाल के तौर पर मैं गोल्ड लिख देता हूँ, ओके, यहाँ से मैं कोई गोल्ड टाइप जो है ना वो कलर ले लेता हूँ, ओके, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको कर दें जी आप क्लोज, अब यहाँ से सिलेक्ट करें इसको, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ये गोल्ड कलर यहाँ पर शो किया, यहाँ पर क्लिक कर लें, तो मोर कलर जो है ना वो आप यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर सकते, फॉर्मेट में जाना है, डिफाइन कलर्स करना है, डिफाइन कलर से आपने न्यू में जाना है, यहाँ से ये आपने कोई भी कलर का 1 करके नाम दे दिया, 1, 2, 3 नाम दे दिया, आप ओके करें तो आपके पास डिफाइन कलर्स की पूरी एक ऑप्शन होती है। ये देखें यहाँ से आप किसी भी कलर पर चले जाएं, यहाँ से क्लिक करें तो ये उसी तरह की है, आपकी लाइट और डार्क करने वाली ऑप्शन मिल जाएगी। ये आपका न्यू कलर होगा जो आप न्यू कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आप कलर में ये डिफरेंट है आरजीबी कलर, आरजीबी होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर बार बार अगर आपको यूज करना पड़ रहा है किसी और इन पेज में यूज करना पड़ रहा है तो आप ये नोट कर लें, ये नंबर नोट कर, वहां जाकर सिर्फ ये नंबर लिखना है, ये कलर खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ा, मैंने गुम गया, अब ये गुम चुका है, अब मुझे वापस उसी कलर में जाना है मेन पर, अब मेरा नहीं आता और मुझे मैंने नंबर भी नहीं नोट किया, ठीक है ना, इसलिए वो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सी एम वाई के एक ऑप्शन होती है, सी एम वाई के, सी एम वाई के होते हैं सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, सी एम वाई के कलर मेथड होता है, सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, आरजीबी से बनेगा रेड ग्रीन ब्लू, फुल सैचुरेशन एंड लुमिनेंस, यहाँ से आप इसको ओके कर दें और यहाँ से भी आप इसको क्लोज कर दें तो ये आपका कलर यहाँ पर भी 1 के कलर से नाम से दिखेगा। तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड कर देना, थोड़ा सा उसको वाजे कर दो, ठीक है, जैसे मैं इसमें इन टेक्स्ट में कहीं पर भी मैं बोल्ड कर देता हूं तो ये टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट की नस्बत थोड़ा सा वाजे, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा कर देना, टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, साइज यहाँ पर साइज है ये वाला साइज जो है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जितना आप देना चाहें उतना दे दो, अंडरलाइन ये अंडरलाइन स्टाइल है, सिंगल अंडरलाइन देना चाहते हो, डबल लेना चाहते हैं, ओवरलाइन यानी टेक्स्ट के ऊपर, बॉक्स पैटर्न बिहाइंड जो है वो पैटर्न स्टाइल बन जाते हैं ग्रे कलर में, रिवर्स कलर जो कलर ये ब्लू है ना वो रिवर्स पर चला जाएगा, इसका व्हाइट जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, इसको बोलते हैं तो ये आपका हो गया। और ये वाली जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाली ऑप्शन, तो डायरेक्शंस थी वहां पर मेन पेज पर भी इंग्लिश में लिखना हो या उर्दू में लिखना हो तो ये वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ओके अब इसमें एक और ऑप्शन आती है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ इसके फ्रंट से, मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ, एक पैराग्राफ बनाया रैंडम, ओके
इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और एक और पैराग्राफ इसको मैं बना लेता हूं। यहां से ये वाला पैराग्राफ मैंने इसको बनाया है। अब इसको इस पैराग्राफ को मैं कहता हूं इसको जस्टिफाई किया। अब दो तरह की और अलाइनमेंट होती है, एक होती है जस्टिफाई, एक होती है फोर्स जस्टिफाई। एक होती है जस्टिफाई, एक होती है फोर्स जस्टिफाई। पैराग्राफ पे अगर आपने जाना है तो फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट से ये आपके पास पैराग्राफ की ऑप्शन, कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट की है। यहां से आपको ये ऑप्शन जो है ना ये मिलेगी पैराग्राफ से। इसमें आपके पास ये अलाइनमेंट है, सबसे पहले ऑप्शन अलाइनमेंट। ओके, अलाइनमेंट अगर आप देखें तो ये आपको लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई एंड फोर्स जस्टिफाई के ऑप्शन यहाँ पर शो करवा रहा है, राइट। अब यहाँ से जो है ना ये फोर्स जस्टिफाई होता क्या है, मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ से कैंसिल करता हूँ। ये चीज है फोर्स जस्टिफाई क्या होता है कि मैं सिंपल यहाँ से ये देखें गैप आ रहा है, फोर्स के दरमियान में गैप आ रहा है, यहाँ पर लाइन के साथ टच तो नहीं है ये वाला, लेकिन ये टच है। लेकिन अगर बैक से देखें आप यहाँ पर इधर से देखें तो ये तो बिल्कुल टच ही है, तो राइट साइड जो आ रहा है बिल्कुल टच आ रहा है, मगर यहाँ से देखें कि लेफ्ट साइड जो है ये लाइन के दरमियान गैप आ रहा है। गैप क्यों आ रहा, क्योंकि वो लफ्ज थोड़ा सा बड़ा था इसलिए उसने आगे चला गया, यहाँ से उसने गैप दे। मैं चाहता हूँ कि भाई जिस तरह से राइट साइड पर ये सीधा आ रहा है ना, मेरा लेफ्ट साइड भी सीधा ही आ रहा है। इसको बोलते हैं जस्टिफाई करो, जैसे बुक्स में होता है दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल होता है पैराग्राफ। एंड वाली लाइन अगर वो आप ज्यादा मतलब छोटी है तो वो वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको मैं यहां से ये जस्टिफाई करवाऊंगा वो सिंपल, ये देखें इसके साथ टच हो। उसने क्या किया, वर्ड्स के या दरमियान में छोटे छोटे स्पेस देकर एंड की स्पेस को उसने कवर कर। अब इसमें और इसमें डिफरेंस तो है ना, ये नीचे वाली और ऊपर। अब ये जब मैंने जस्टिफाई किया तो ये देखिए एंड वाली लाइन को कुछ नहीं हुआ, ये वहीं की वहीं रही है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये इसकी लास्ट लाइन भी देखिए कि वैसी की वैसी छोटी है, अगर आप इमेज में देखना देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी देखिए, दूसरे तरफ देखें कि ये सभी लाइनें बराबर है, इसको कहते हैं फोर्स जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई क्या होता है कि जो लास्ट लाइन भी है ना ये भी साथ टच हो, ये भी इक्वल हो गया। तो मैंने यहां से इसको फोर्स जस्टिफाई करवाया तो ये देखें ये। अब इसका क्या नुकसान वो मैं बताता हूं, ये कब यूज करना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पर ये मैं इतने लेटर यहाँ पर लिखता हूँ और या ये भी मैं यहाँ से खत्म कर देता, अब मेरे पास ये थोड़े से रह गए, अगर मैं इसको भी फोर्स जस्टिफाई करवा देता हूँ ना तो उसने उनको भी खुला कर एंड वाली लाइन स्पेस है ना दरमियान में, तो एक को कॉर्नर में और बाकियों को सेंटर में, उनके दरमियान में स्पेस, तो ये फोर्स जस्टिफाई का होगा। दो या दो से ज्यादा भी लेटर हुए ना अगर वर्ड हुए तो वो उनको भी एंड तक टच कर देगा। तो आपको इसके लिए जस्टिफाई करवाना है। फोर्स जस्टिफाई कब करवाएंगे, जब लास्ट में बिल्कुल हो जाए या कोई टेक्स्ट होगा ऐसा जिसे हम बिल्कुल खींचना चाहते हैं, फिट करवाना चाहते हैं किसी चीज में, तो वो वहां पर हम इसको फिट करवाएंगे, वो भी आपको मैसेज, ठीक हो गया। तो ये हुआ आपका पैराग्राफ, कंट्रोल जी हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक लाइन है इंडेंट की, इंडेंट की ऑप्शन। इंडेंट में आप यहां देखेंगे बिगिनिंग एंड लाइन और फर्स्ट लाइन, ये है वो स्पेसेस, जो स्पेसेस आप दे सकते हो एमएम में, ठीक है, कि कितने इंच स्पेस जो है ना वो बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या है जो आपका शुरू वाला हिस्सा है जो आपकी फर्स्ट लाइन, ये देखो मैं कहता हूं 25.4 बिगनिंग, इंडेंट इंडेंट होता है स्पेस देना। ओके करें, क्या हुआ एक इंच की स्पेस, कंट्रोल जी अगेन एंड उसको भी इतनी दे दें, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल जी फर्स्ट लाइन, जब भी हम उर्दू में कुछ भी लिख रहे होते हैं तो हमेशा फर्स्ट लाइन में स्पेस होता है और बाकी लाइन पीछे से लिखी जा रही है, तो ये फर्स्ट लाइन में अगर स्पेस देना है आपने तो यहां से आप इसको भी पेस्ट करें और ओके, एक इंच की स्पेस फर्स्ट लाइन।
अब जब बाकी हिस्सा, जब मैं कोई भी पैराग्राफ अगर इसके बाद मैंने एंटर किया तो वो फर्स्ट लाइन एक इंच छोड़कर ही आएगी, बाकी लाइंस वैसे ही आएंगी जैसे वो थी। अच्छा एक चीज जो मैं बताना आपको थोड़ा सा भूल गया हूँ वो ये है, उससे जरा आपको थोड़ा सा याद रखिएगा उस चीज के हवाले से कि आप इसमें अगर आपका काम कहीं गलत हो गया, डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया तो वो आप वन टाइम वापस ला सकते हैं, यानी अंडू कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, सेकंड टाइम उसको नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये अगर मैंने यहाँ पर ये डेल कर दिया ये वाला पोर्शन, अब ये वापस लाना हो तो अंडू कर सकते हैं कंट्रोल जी के साथ, उसकी ऑप्शन यहाँ एडिट में मौजूद है हमारे पास, ये कंट्रोल जी, याद रखें सिर्फ कंट्रोल जी है और ये वन टाइम जो है ना वो होगा आपका। मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो वो पोर्शन वापस आ, लेकिन अगर डेल करके मैंने अगर कोई और लव वर्ड मैंने टाइप कर दिया है तो अब याद रखें कि वो वाला वापस नहीं है, इनकेस कि आपने कॉपी ना किया, कॉपी किया तो वो तो आपका रहेगा लेकिन अगर डिलीट हो गया कॉपी ना किया हो तो वो नहीं है। कुछ वर्ड वगैरह में आता है, इन पेज में नहीं आता, इसमें जो लास्ट काम किया होगा सिर्फ वही आएगा, देखें ए आ रहा है ए गायब हो रहा है, सिर्फ वो आएगा। ओके तो ये भी समझ आ गया, यहां से मैं इसको कंट्रोल जी से मैं अगेन आपको जो है ना यहाँ से दिखाता हूँ ये दूसरे पैराग्राफ के। अब ये देखें लाइन स्पेसिंग है, एक लाइन की हाइट है और एक इंटरलाइन गैप। अब यहाँ पर ये वाली चीज है, यहाँ पर ये ऑटो और जीरो पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, ये सेम चीज, ये वाली चीज मतलब लाइन हाइट, सिर्फ ये चीज रह गई थी आपकी, ये लाइन हाइट और जीरो पॉइंट, ये वाली चीजें आपने यहाँ से भी कर। लाइन हाइट क्या है कि ऊपर से कितनी जो है ना वो स्पेस होनी चाहिए, मैं 10 अगर कर देता हूं यहां से तो ये देखिएगा कि यहाँ पर ये इतनी स्पेस कम होगी, इतनी कम होगी तो मैं यहाँ 10 पॉइंट्स जो है ना ये तो कम है, मैं कहता हूँ 40 पॉइंट हो जाए, 40 पॉइंट किए तो वो उसने जनाब उसने कहा जी कि ये इतनी इतनी स्पेस आ गई सर, लेकिन ये देखिए कि ये ऊपर से स्पेस है, ऊपर से नीचे से नहीं है, ये स्पेस ऊपर से आ रही है देखिए, नीचे से नहीं है, ऊपर की स्पेस ज्यादा नीचे की स्पेस कम है। दोबारा से करें तो अगर आप तो ये देखें ये इंटरलाइन गैप है ये वाला, इसको अगर आपने 20 करके एंटर किया तो अब देखेंगे आप ये नीचे की पॉइंट की भी स्पेस है। ओके क्लियर हुआ, आप इसको जैसे थे ये जीरो जीरो टैब से आप अगली ऑप्शन में जा सकते हैं, ये है जी आपका टैब, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके टैब, इसको मैं ओके कर देता हूँ ताकि वो लेवल पर आ जाए वापस अपने। टैब आपका एक स्पेस देता है, जैसे कि मैंने यहां से इसको क्लिक किया और मैं कहता हूं थोड़ा सा फासला दे दो टैब से, तो ये इससे इतना फासला, ये है आधा इंच, आप इसको अपनी मर्जी से यहां से दे सकते हो कि कितना मेरा टैब जो है ना वो डिफॉल्ट स्टॉप जो है ना वो आधा इंच पर हो रहा है, मैं कहता हूँ 25.44 पर हो जाए, तो अब यहां से मैं इसको टैब करूंगा तो ये एक इंच पर, तो ये टैब आप दे सकते हो कि मुझे इतने टैब की जरूरत है पड़ रही है। उसके बाद ये ब्रेक्स हैं, कॉलम ब्रेक करना या पेज ब्रेक करना, यहाँ पर ये वाली चीजें आ जाएंगी आपके पास, और पैराग्राफ स्पेसिंग है इसमें, इसलिए पैराग्राफ स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग में बिफोर पैराग्राफ स्पेस या आफ्टर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है ना, एक पैराग्राफ है, इससे पहले कितनी स्पेस होनी चाहिए और इसके बाद में कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये है पैराग्राफ की स्पेस बिफोर एंड आफ्टर। सेटिंग करना बहुत जरूरी है, सेटिंग के बगैर कुछ भी नहीं। तो यहां से आपने कहा जी कि मुझे 10 mm की जो है ना वो पहले चाहिए और 10 mm की बाद में चाहिए, ये पहले और ये बाद में, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो ये ऑल टू ऑल आपका ये क्लियर हो चुका है। लास्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको हम ये वर्ड्स की स्पेस को, ये वर्ड्स के दरमियान में या लेटर के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको जो है ना वो देता है। साथ ही तो यहाँ से मैंने 100 किया तो आप देखेंगे कि ये लेटर्स में आपस में खुले खुले।
ठीक है, तो आप कोई भी वर्ड जो अगर आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा खुला खुला हो जाए तो यहाँ से आप दे सकते हो, और ये स्ट्रेच के लिए होता है, 100% पहले ही होता है, 200 देने के तो ये वर्ड को स्ट्रेच करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आज के लिए आपका रूम पेज का आई बीम टूल्स कंप्लीट, और सेटिंग भी आपको पता चल गई है, उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे।